नमस्ते। आज हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो काफी जनसुराज के विषय में हद तक जानते हैं और वो बतला रहे हैं कि जनसुराज क्या है, क्यों आई है, क्या करेगी। ये ढेर सारी जो है ना सवालों का जवाब इनके पास है। तो हमारे साथ चैनल पर बने रहे हैं और अभी तक आप हमारे नए श्रोता हैं तो शेयर वर्क मनोज को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को दबा कर रखें ताकि इस टाइप के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्त सुनते हैं इन व्यक्ति से क्या बोलते हैं। जनता के सुंदर राज की कल्पना की जा रही है सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के द्वारा, और जनता अब पसंद नहीं कर रही है परिवारवाद और जातिवाद। जनता अब पसंद कर रही है जो शिक्षा पे नीति लाए, जो बेरोजगारी पे नीति लाए, उस कानून को जनता पसंद करती है कि नौजवानों के हाथ में काम मिले और बच्चों को विद्यालय में शिक्षा मिले। अब जनता वह पसंद करती है। अब जनता जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर नए परिदृश्य की कल्पना कर रही है। निश्चित तौर पे जनसुराज जीतेगी। जनसुराज एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा बन चुकी है। यहाँ के गरीब, दलित, पिछड़े, अकलियत के लोग जनसुराज को पसंद कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जनसुराज आने वाले समय में यहाँ के सत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु होगा।